हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, मैं बहुत दिन बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। उसके पीछे भी कुछ रीज़न्स हैं, तो वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। पहले आपको मैं बता दूँ कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने माता की चौकी लगाई थी। आपको सभी को पता है नवरात्रि चल रही हैं, तो मैंने कुछ बैकग्राउंड बनाया था, तो मैं आज आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ, सब कुछ बताऊँगी। एंड उमायरा ने मेरा पूरा पूरा हेल्प करा है, देख ही सकते हैं आप। तो मैंने इस तरीके से पहले ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्टार्स लगाए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप भी इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं अपना बैकग्राउंड। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, मैं बहुत दिन से वीडियो शूट नहीं कर रही थी, कोई वीडियो मेरी अपलोड नहीं हो रही थी। उसका रीज़न ये था, मेरे फादर जो हैं, मेरे पापा, वो कुछ दिन से एडमिट थे, हॉस्पिटलाइज थे, तो इसी वजह से मैं उस चक्कर में नहीं कर पा रही थी। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, अगर घर में कोई बीमार होता है तो नहीं मन करता है इन चीज़ों के लिए, टाइम नहीं निकाल पाते हैं हम, और कुछ अपना मन भी नहीं करता है। तो और इसी चक्कर में कुछ लोगों ने, जो मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब भी किया था, बट इट्स ओके, उन्होंने किया। उन्हें लगा होगा कि शायद मैं वीडियो अब नहीं बनाऊंगी, बट ऐसा नहीं है, तो कोई बात नहीं। और जो मेरे साथ अभी तक जुड़े हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं वीडियो में, मेरे पास कोई था नहीं, कुछ चीज़ रखने के लिए नहीं थी, और मुझे कुछ ज़्यादा बड़ी लगानी थी चौकी, तो मैंने ये कर्टन बॉक्स का इस्तेमाल किया है। मैंने इस टाइप से इनको भी पहले गंगा जल से अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि मुझे इस पे माता रखनी थी ऊपर को, और इस तरीके के मेरे पास ये चुन्नियाँ वगैरह थी माता की पुरानी, तो मैंने इनसे डेकोरेट किया है, इसी तरीके से लगाया था। और मुझे ऐसा लगता है बस अच्छा लगना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है आपके पास हर चीज़ परफेक्ट हो। आप देखो, मैंने इस तरीके से सुई धागे की हेल्प से एक एक यहाँ पे ऐसे अटैच कर दी थी, ताकि ये, क्योंकि 9 दिन हमें लगानी होती है और 9 दिन चाहिए होती है ये चीज़, तो इसलिए ये हिले ना या कुछ बार बार इसे ठीक ना करना पड़े मुझे, तो मैंने यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से इस तरीके से यहाँ पे टक कर दिया था इसको दोनों तरफ से। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, और आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि पापा की तबीयत ख़राब थी, वो हॉस्पिटलाइज थे, और मैं इसी वजह से, जो लोग मुझे जानते हैं, जिनको पता है, उनको पता होगा कि हाँ ऐसी बात थी, और बहुत सारे लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब भी किया इसमें, तो मेरा दिल दुखा कि यार क्यों किया, बट कोई बात नहीं, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी अपनी समझ है। तो आप देखो यहाँ पर मैंने ये यूज़ करी है, आपको पता ही है जो शादी वगैरह में यूज़ होती हैं ट्रेस को डेकोरेट करने के लिए, तो मैंने ये यूज़ करी है यहाँ पे, मेरे पास और कुछ था नहीं, और मैंने यहाँ पे मंदिर के एक कपड़ा था मेरे पास, जो कि मैं ऐसे ही बिछाने के लिए यूज़ करती हूँ, और मैंने इसको इस तरीके से कवर कर दिया ताकि ये बुरा भी ना लगे। एंड ये मैंने एक बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मेरे से ख़राब हुई थी, और मैंने ये खुद डेकोरेट की थी, मतलब मैंने खुद ही बनाया था, तो मैं यहाँ पर ये भी इस्तेमाल करूँगी, यूज़ करूँगी, और इसमें मैंने सारा सामान रखा हुआ है अपना, और ये भी मैंने ट्रे यूज़ की है। तो ये देखो आप कितना सुंदर लग रहा है, एंड बहुत सिंपल सा है। तो इसको ढकने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं खास, तो मैंने यहाँ पे पुरानी माता की जो चुन्नी थी मेरे पास, ये बैकग्राउंड में मैंने एक बार लगाई हुई है, तो मैंने ये यूज़ करी थी। तो देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से लग रहा है, ये मैंने बेस तैयार करा है। और छोटे छोटे चीज़ें तो होती ही रहती हैं, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अगर 9 दिन है तो 9 दिन ही सजाती हूँ माता की चौकी को, मतलब कुछ ना कुछ करती रहती हूँ उसमें कि डेकोरेट हो जाके। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मेरे पास ट्यूब लाइट है, और अगर आपको भी लगाएं बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ये, आप लगा के देखना कि मैंने बैकग्राउंड के लिए यूज़ की है, मतलब कि ये पीछे से लाइट बहुत सुंदर लगती है निकलती हुई, ये इस तरीके से मैंने सीधी रखी है, लिटा के नहीं, सीधी रखी है ये, और पीछे रख दी है थोड़ी सी आगे करके चौकी, और पीछे रख दिया, एंड वायर इसमें मैंने बनाई रखी है ये, और मैं इसे हमेशा नवरात्रि में यूज़ करती हूँ। तो मैंने इस तरीके से, आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट लाइट दिखती है पीछे, देखो मैं अंधेरा करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको दिखे, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। और ट्राई कीजिएगा, जैसे स्टार्स वगैरह लगाए हैं ना, बहुत सारे ऐसे मार्केट में मिल जाते हैं आपको, तो आप वो भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको मॉर्निंग में मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ये वो है जो मैं वो माता की जो खेतरी लगती है, और ये जौ के बीज हैं,
और एक उस दिया वगैरह सब कुछ सामान मैंने एक साइड करके रखा है ताकि मुझे सुबह मॉर्निंग में चीज़ों को ढूंढना ना पड़े। ये कुछ माता के श्रृंगार है, कपड़े हैं माता के, और ये देखो दुर्गा माता के कपड़े, कितने सुंदर कपड़े हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे ये। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी चुन्नी कितनी ज़्यादा सुंदर चुन्नी है, ये देखो। ये मैंने अलग से ली है, वैसे चुन्नी तो छोटी मिलती है, ये मैंने अलग से ली थी, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी लग रही है ये। मैं लड्डू गोपाल के भी आपको दिखाती हूँ, ये बताशे हैं जो मॉर्निंग में हमें चाहिए होते हैं, इससे मैं अपना व्रत खोलती हूँ। ये लड्डू गोपाल के कपड़े हैं, ये देखो कितनी सुंदर ड्रेस है, मैं इसे मॉर्निंग में ही पहनाऊँगी लड्डू गोपाल को। ये कुछ माला वगैरह है माता की, और ये कुछ अगरबत्ती धूपबत्ती ये सब हमें चाहिए होती है, छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और ढूंढनी पड़ जाती हैं, क्योंकि फ़र्स्ट डे जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब लेट हो जाते हैं इसे, तो इसलिए मैंने एक जगह करके रखा हुआ है सब कुछ। ये रेत है जिससे हम खेतरी लगाएंगे मॉर्निंग में, ये बड़ा दिया है जो मैं लगाऊंगी माता के पास, लौंग और जो भी चीज़ें सामग्री चाहिए होती है, ये इत्र है, और ये गूगल है, और सफ़ेद चंदन है, ये सब कुछ चीज़ें मैंने मंगा के पहले एक लग रख लिया है। ये कलश है माता का, मैं कल सेट करूँगी, और नारियल चाहिए होता है, ये देखो कितना सुंदर है, ये मैंने जल के लिए रखा हुआ है, ये मेरे पास था पहले ही, और मैं इसी में जल वल चढ़ाती हूँ अपना, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है, एंड मुझे ऐसे मुझे थोड़ी बड़ी चौकी चाहिए थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा था ऐसे लग के। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी है ये, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। हैप्पी नवरात्रि गाइस, आज के दिन नवरात्रि लगी है, फर्स्ट डे है माता का, तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से माता को एंड सभी भगवानों को विराजमान कराया है। ये मेरी खेतरी है, एंड देख सकते हैं आप ये कितना ज़्यादा सुंदर बैकग्राउंड लग रहा है, तो उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और आपको अगर अच्छा लगा है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, मुझे कमेंट करके बताना है। तो आप देख सकते हैं गाइस कैसा लग रहा है आपको बताना ज़रूर, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये सब करके, गुड वाइब्स आती हैं, हमें ज़रूर लगानी चाहिए चौकी, जिनके घर में नहीं लगता है ना, तो मैं उन्हें यही सजेशन दूंगी कि ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स रहती हैं आपकी, एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, अच्छा सा माहौल लगता है, और अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें करने के बाद। तो ज़रूर आप भी ट्राई लगाइएगा अपने घर पर चौकी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये व्लॉग, ये छोटा सा छोटी सी आपसे बातचीत आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइज। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका एक सपोर्ट चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स को हैप्पी नवरात्रि, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।